सागर में बीजेपी नेता के भाई ने कार से एएसआई को अगवा कर लिया। सायरन बजाते हुए नशे में रफ ड्राइविंग करने पर उसकी कार को पुलिस ने पकड़ा था। एएसआई कार को थाने ले जाने के लिए ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर बैठे, इतने में आरोपी ने उन्हें कार के अंदर धक्का देते हुए कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में कार में एएसआई को पीटा, धमकाया और कहा कि 10 की 10 गोलियां उतार दूंगा। गोदाम में बंद कर कोड़े मारने की भी धमकी दी। पुलिस की अलग अलग टीम ने कार का जब पीछा किया तो आरोपी एएसआई को छोड़कर फरार हो गया। घटना गौर झामर थाना इलाके में 10 जनवरी की रात की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, शासकीय कार्य में बाधा डालने, एससी एसटी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी की कार बरामद कर ली गई है, लेकिन उसका पता नहीं चल सका है। पुलिस की अलग अलग टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 11 जनवरी को उसके गांव बरकोटी और सागर शहर में दबिश दी है। गौर झामर पुलिस के अनुसार 10 जनवरी की रात 8:15 पर हल्लू उर्फ चंद्रहास सिंह दांगी निवासी बरकोटी थाने में अपनी गाड़ी लेकर आया था। आरोपी भाजपा नेता राजकुमार बरकोटी का भाई है, बसे भी चलवाता है और कार क्रमांक MP15CB1044 में सायरन लगा है। वह सायरन बजाते हुए तेजी से बस स्टैंड की ओर चला गया। इसके बाद वह सड़कों पर सायरन बजाते हुए कार लहरा रहा था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गौर झामर थाना प्रभारी ब्रज मोहन कुशवाहा ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके गृह गांव बरकोटी में दबिश दी, लेकिन उसके वहां से सागर शहर भागने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीमों ने सागर के मकरोनिया इलाके में स्थित आरोपी के मकान पर दबिश दी, वहां भी वह नहीं मिला। गौर झामर में हल्लू नाम का एक व्यक्ति जो गाड़ी पुलिस सारंग बजाकर घूम रहा था, जिसको हमारे एएसआई रामलाल द्वारा चेक करने पर उसने उसको बिठाकर ले जाकर उसका अपहरण किया और बरकोटी में ले जाकर उसके साथ मारपीट की, अपराध दर्ज किया है। आरोपी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, अभी दस्तयाब नहीं हुआ।